एम्फिबला ऑफ कैटल, ठीक है, एंड हॉर्स. इन केस ऑफ हॉर्स फिबुला इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द कैटल एंड इट कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज. ऑल्दो शाफ्ट इज नेवर रीचेस टू द डिस्टल एंड, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज इन द फॉर्म ऑफ लेटरल मैल्यूलस फ्यूज विद द टीबिया एंड द शाफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल रॉड. इन केस ऑफ डॉग एंड पिग, is it visible? Chart दिख रहा है? Is it visible? No ma'am. Actually light बहुत low है ma'am, कुछ blur जैसा दिख रहा. Just a second. Actually ना light power कम है तो problem भी नहीं. अब मेरे ख्याल से दिख रहा. Yes ma'am. Yes ma'am. है ना? अब visible है ना? Yes ma'am. दिख रहा है ना? कल हमने टीबिया देखी थी. विद द फिबुला विद द टीबिया. यहाँ दिखाई दे रहा होगा. Is it visible? दिख रही है डॉग की फिबुला? नो मैम, ठीक से दिख नहीं रही है. अब कुछ दिखाई दे रहा है? यस मैम. दिख रहा है ना? इस साइड पर एक रॉड लगी हुई दिख रही है, छोटी सी थिन. यस मैम. Rod shaped bone is attached on the lateral aspect of the tibia of the dog. Here, you can see the interosseous space at the proximal part. Upar ki taraf hai and distally completely attached with the tibia. So, here only proximal interosseous space is present. Interosseous space is also present in two bones of forelimb. Name these bones. Radius. Radius and ulna. See, yahan par proximally interosseous space is present, but distally it is absent. While in case of pig ke case mein it is comparatively larger. Yahan par thin rod shape dikh rahi hai, two extremities and shaft hai. Yahan par it is comparatively thick, broad. Has two extremities and wide interosseous space is present at the whole length of the bone. यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों bones के बीच में completely gap दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है? Is it visible? ठीक है. So this is about fibula of pig and dog. Dog में radius ulna में interosseous space कैसा होता है? Only proximal, not distal. Radius ulna में? Yes, क्या होता है रेडियस अल्ला में भी इंटरोशियस स्पेस का क्या अरेंजमेंट होता है? मैम यार पूरी लेंथ में होता है, ऊपर से नीचे तक. हाँ, फुल लेंथ में प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ कम टू द अदर बोन. एज वी सी द बोन्स ऑफ द स्टाइफल जॉइंट, फीमर, टीबिया, फिबुला एंड
One more sesamoid structure is involved in this is patella. Patella, ठीक है. So here you can see the patella of cattle. Visible है? दिख रही है? यस मैम. यस मैम. कैसी दिखाई दे रही है? कैसी दिख रही है? ट्रायंगुलर. 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 कुछ कुछ इंडिया के नक्शे जैसा, ठीक है ना? ठीक. हियर यू कैन सी द एक्सटेंशन, दैट इज द पटेला कार्टिलेज. जब जॉइंट बनता है देयर इज एक्सटेंशन इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ अ कार्टिलेज विद द पटेला. ठीक है. For description, it is a triangular bone. For description, it has two surfaces, anterior surface and posterior or articular surface. Anterior surface मिलेगी, posterior or articular surface मिलेगी, ठीक है. Anterior surface is rough and triangular. ठीक. दो surfaces हैं, दो border हैं, and above broad area is known as base and below pointed area is known as apex. ठीक है. जब भी हम पटेला का डिस्क्रिप्शन देने जाएंगे तब हम बोलेंगे इट हैज टू सर्फेसेस, टू बॉर्डर्स, ब्रॉड बेस एंड एपेक्स. अबव अ बेस एंड एपेक्स बिलो. ठीक. एंटीरियर सर्फेस इज रफ. पोस्टीरियर सर्फेस हैज टू आर्टिकुलर एरिया सेपरेटेड बाय अ रिज. ये रिज इस वाली बोन में ज्यादा प्रॉम्प्ट है. तब यहां रिज ज्यादा क्लियर दिख रही होगी. ठीक है. द आर्टिकुलर एरिया इज सेपरेटेड बाय अ रिज क्योंकि ट्रोक्लियर सरफेस के ऊपर ग्लाइड करती है और इन बिटवीन टू ट्रोक्लियर रिज गैप है दैट ऑक्यूपाइड बाय दिस रिज एंड जो ट्रोक्लियर आर्टिकुलर सरफेस है दैट स्लाइड ओवर द ट्रोक्लियर रिजेस. ठीक है. बॉर्डर्स आर मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर. ठीक है. मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर इज समवॉट कॉनकेव एंड लेटरल बॉर्डर इज समवॉट राउंडेड फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है. एंड हियर यू सी द पॉइंटेड प्रोजेक्शन एट विच द कार्टिलेज इज अटैच इज नोन एज मीडियल एंगल. ट्राइंगल का जो एक्सपेंशन है दैट इज मीडियल एंगल. ठीक है. Here, there is attachment of the fibrocartilage. इस और इस बोन में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कुछ अंतर दिख रहा है? कोई चीज दिख रही है? कुछ अपीयरेंस चेंज दिख रहा है? लेफ्ट हैंड वाली में डिप्रेस्ड एरिया दिख रहा है. कैसा एरिया दिख रहा है? डिप्रेशन. डिप्रेस्ड एरिया दिख रहा है. ओके. कुछ और जो मैं दिखाना चाहती हूँ शायद. उसका शेप कैसा है लेफ्ट वाले का? ये जिस पे मेरी फिंगर है उसका. ट्रायंगुलर नहीं है. ठीक है ना. तो शेप से हम डिफरेंस कर सकते हैं. इट इज ट्रायंगुलर. इट इज समवॉट क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज द पटेला ऑफ हॉर्स. ठीक है. ये छोटे एनिमल की है और ये बड़े एनिमल की है. ठीक है. क्योंकि दोनों बोन्स एक साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसलिए मैंने ये बोन दिखाई है. Can be two surfaces, two borders, base and apex. Apex में यहाँ पर दिख रहा है ये pointed है apex और यहाँ पे apex जो है वो pointed नहीं है. It is somewhat broad. ठीक है. यहाँ पे apex जो है वो pointed है and here apex is broad. ठीक. And it is somewhat quadrangular in shape. It has two surfaces, anterior surface that is also rough
and the posterior surface, which is articular, and here ridge is very well developed. The ridge divide the two surfaces is very well developed. Medial side of the articular surface area is larger than the lateral side. दोनों आर्टिकुलर सरफेस में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, एक छोटी दिख रही है और एक बड़ी दिख रही है. दिस वन इज मीडियल वन एंड दिस वन इज लेटरल वन. ये रिज दिखाई दे रही है, दिख रही है रिज. तो मीडियल सरफेस और आर्टिकुलेटिंग सरफेस और पोस्टियर सरफेस, पोस्टियर सरफेस और आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज डिवाइडेड बाय इनटू टू एन इक्वल हाफ बाय अ रिज. द मीडियल वन इज लार्जर देन द लेटरल वन. ठीक है, डॉट की पटेला कुछ लॉन्ग और नैरो शेप की मिलेगी, अभी है नहीं मेरे साथ. ठीक, सो दिस इज अबाउट द पटेला ऑफ कैटल एंड हॉर्स. ठीक मैम, मैम व्हाई द अपेक्स इज बिलो एंड बेस इज अप? बेस किसको बोलते हैं? बेस वहाँ जहाँ पे रेस्ट होगी, बोन या रेस्टिंग पार्ट जो भी हो, जहाँ रेस्ट होगा. ठीक, और एपेक्स, जहाँ एपेक्स का अगर अपन लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होगा? मोस्ट पार्ट हो रहा है एपेक्स, उसका लिटरली क्या मीनिंग होगा? टॉप मोस्ट पार्ट द शेप वाइज अगर बात करें, किस शेप को आप एपेक्स बोलोगे, किस शेप को एपिकल पोर्शन बोलोगे? ट्रायंगुलर शेप और कौन शेप मैम? पॉइंटेड. पॉइंटेड, ठीक है ना. पॉइंटेड जो एरिया होगा उसको हम यूजली एपेक्स या एपिकल शेप टर्म यूज करते हैं. ठीक, तो जो अभी हम बोन देख रहे हैं, जो अभी हम बोन देख रहे हैं उसमें पॉइंटेड एरिया कहाँ है? नीचे. That's why they use the term apex, ठीक है? और broad area ऊपर है, ठीक है? बेस हम यूजली क्या बोलते हैं? बेस हमेशा ब्रॉड बोलते हैं. अगर शेप वाइज जाए तो किसी चीज का बेस जो होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा. ठीक है ना, तो बड़ा होगा ना, तो ऊपर ब्रॉड एरिया है, that's why they use the term base, and नीचे पॉइंटेड एरिया है, that's why they use the term एपेक्स. ठीक, ओके. नाउ कम टू द टार्सल बोन्स. ठीक है, सो फर्स्ट द नंबर ऑफ टार्सल बोन इज इंपॉर्टेंट. कार्पल बोन में कितने होते हैं? कैटल में कितनी कार्पल बोन्स होती हैं? सिक्स. कौन कौन सी? मीडियल, मीडियल, रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नार, एसेसरी. ठीक ठीक, बट इन केस ऑफ कैटल नंबर ऑफ टार्सल बोन्स आर 5. ठीक, तो पहले हम इस चीज को समझिए कि टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज. बोर्ड विजिबल है? यस मैम. ठीक, होता है वो होता है टिगल टार्सल, फिबुलर टार्सल, ठीक, सेंट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. दिख रहा है? बिल्कुल भी विजिबल नहीं. बहुत यस मैम, अभी थोड़ा विजिबल है. ठीक,
जो टार्सल बोन है उसका कंप्लीट अरेंजमेंट जो मिलेगा टीबियल, ये विजिबल है? यस मैम। ठीक, फिबुलर टार्सल, देन सेंट्रल रो एंड डिस्टल रो में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये दिख रही है बोन्स? दिस इज द जनरल अपीयरेंस ऑफ द टार्सल बोन्स इफ ऑल द टार्सल बोन्स आर अवेलेबल और प्रेजेंट। सबसे पहले टीबियल टार्सल, फिबुलर टार्सल इन द प्रॉक्सिमल रो, इन द सेंट्रल रो सेंट्रल टार्सल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टार्सल। तो सो टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन्स कैन बी पॉसिबल आर सेवन। सेवन, ठीक है। तो जो मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो सेवन की होगी। इन केस ऑफ कैटल, इन केस ऑफ कैटल फाइव टार्सल बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, टीबियल, फिबुलर, सेंट्रल प्लस फोर्थ फ्यूज्ड, सेंट्रल प्लस फोर्थ फ्यूज्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस थर्ड फ्यूज, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस थर्ड फ्यूज, ठीक है। तो दो बोन्स फ्यूज हुई, एक तो सेंट्रल प्लस फोर्थ फ्यूज हुई और एक सेकेंड प्लस थर्ड फ्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन्स प्रेजेंट इन केस ऑफ कैटल आर फाइव। समझ में आया? ठीक है, टोटल नंबर पॉसिबल जो है वो सेवन है, इन केस ऑफ कैटल इट इज फाइव एंड फाइव बोन्स आर टीबियल टार्सल, फिबुलर टार्सल, सेंट्रल प्लस फोर्थ फ्यूज टार्सल, फर्स्ट टार्सल एंड सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज टार्सल। ठीक है, इन केस ऑफ हॉर्स, ये तो हो गया सेटलमेंट। इन केस ऑफ हॉर्स टोटल नंबर इज सिक्स, टीबियल, फिबुलर, सेंट्रल, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्यूज, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, दिख रही है बोल? समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो में टीबियल टार्सल, फिबुलर टार्सल, सेंट्रल टार्सल आपको सेंट्रल रो में मिलेगी, मिडिल रो में एंड डिस्टल रो में यू विल फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्यूज, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, सो टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन्स इन केस ऑफ हॉर्स सिक्स, ठीक है। So here you will find 5, here you will find 6, and in case of other two species, the total number is 7. All tarsal bones are present in case of dog and pig. Clear? Yes, ma'am. Okay. That is tibial tarsal and फिबुलर टार्सल। फर्स्ट रो में कौन कौन सी बोन्स देखने को मिलेंगी? टीबियल टार्सल एंड फिबुलर टार्सल। सो दिस इज द टीबियल टार्सल, दिस इज द टीबियल टार्सल, ओके, इट इज द बोन ऑफ द मीडियल साइड। ये मीडियल साइड पे रहेगी और इसके लेटरल साइड में हमको इस तरीके से फिबुला देखने को मिलेगी, ठीक है।
ठीक, फॉर डिस्क्रिप्शन इट हैज टू सरफेसेस एंड टू एक्सट्रीमिटीज, दो एक्सट्रीमिटीज दिख रही है, इट हैज शेफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज, शेफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज, ठीक, ऑन द प्लांटर सरफेस, डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स, नीचे हम डॉर्सल और प्लांटर टर्म यूज करते हैं, प्लांटर टर्म कहाँ यूज की जाती है, ओके, सो हियर वी सी द टिबियल टार्सल बोन, ठीक है, टिबियल टार्सल बोन एंड इट हैज टू सरफेसेस, एंटीरियर और डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड द पोस्टीरियर सरफेस इज कॉनकेव, हियर यू कैन सी अ ग्रूव्ड एरिया ऑन द प्लांटर सरफेस, ठीक है, फॉर दिस वी यूज द प्लांटर टर्म एंड फॉर द एंटीरियर वी यूज द डॉर्सल टर्म, ठीक है, सो इट हैज डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल सरफेस एंड प्लांटर सरफेस, एंड ऑन प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी, ऑन द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी यू कैन सी टू रिजेस, ट्रॉक्लियर रिजेस, एंड द डिस्टल एक्सट्रीमिटी यू कैन सी द कॉन्डाइल्स, ऑल्दो इन सम बुक इट इज डिफाइंड दैट इट हैज ट्रॉक्लिया ऑन बोथ साइड, प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली, प्रॉक्सिमल दिस ट्रॉक्लियर रिजेस आर स्ट्रेट, यहाँ पर हमें जो ट्रॉक्लियर रिजेस दिख रही हैं वो स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं, अभी हम जब देखेंगे इसमें और इसमें कुछ दिख रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, यस मैम, रिजेस आर काउट हाउ सो, रिजेस आर Here ridges are curved and here you can see the ridges are straight, ठीक है, and it articulate laterally, lateral aspect में कुछ book में four surfaces define हो सकती हैं, dorsal, plantar, medial and lateral, और कुछ book में medial lateral aspect term use कर देंगे और dorsal और plantar मिल सकता है, ठीक है, तो confuse नहीं होना है, फोर सर्फेसेस हम क्लियर यहाँ देख पा रहे हैं, तो हम फोर सर्फेसेस कंसिडर करेंगे, एंटीरियर और डॉर्सल, प्लांटार, मीडियल, ठीक है, एंड द लेटर, ऑन द लेटर साइड यू विल फाइंड अ ग्रूव्ड एरिया, दिख रहा है, यस मैम, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रूव्ड एरिया दिख रहा है, एंड Here you will see the attachment of the fibular tarsal. Check. Here you can see the attachment of the fibular tarsal bone on the lateral area. Lateral area jo grooved hai that occupied by the fibular tarsal. So fibular tarsal is present on the lateral aspect of this bone. ठीक, clear? ठीक. So dorsal aspect is convex, and when on the plantar aspect you will find a groove or oval facet. And here you will see the trochlear ridges and the presence of condyle at the distal extremity. And also for interruption. So we will continue with the tibial tarsal bone. Tibial tarsal bone is the first bone of the first row of tarsal area. Okay. Previously, I told you this is the plantar, sorry, this is the dorsal surface and this one is plantar surface, okay, so the fibula is attached here and it occupied the posterior part of the tarsal, tibial tarsal, okay, fibula occupied the posterior part of the tibial tarsal,
anteriorly proximally on the proximal surface you will find the trochlear ridges, and on the distal part you will find the two condyles which articulate with the central plus fourth foot tarsal bone. Check. And on the dorsal aspect you can see the concavity, and on the plantar aspect you can see the convexity. Clear? Is it clear to all of you? Is it clear? Yes, ma'am. So bone will appear in this manner when we see from the front. Clear? Yes. Okay. Check. Then we discuss about the medial surface and the lateral surface. On the medial surface, you can see the smooth area and tuberculated part at above, which provide attachment to the ligament. And on the lateral aspect, you can see the concavity. Here you can see the concavity, and this lateral area provide lateral surface provide attachment to the fibular tarsal bone. Clear? Yes, ma'am. Clear? Tibial tarsal bone mein kisi ko koi confusion? Ridge always remains in front. As here you can see, these ridges always remain in front, and here also ridges always remain in front, and these ridges are articulate with the distal extremity of किसके साथ articulate करेंगी? टीबिया के साथ. इसके ऊपर टीबियल बोन आएगी, ठीक है? तो टीबिया की डिस्टल एक्सट्रीमिटी आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लियर रिजेस, सॉरी हाँ, ट्रॉक्लियर रिजेस ऑफ टीबियल टार्सल बोन. ठीक है, क्लियर? दिस इज द टीबियल टार्सल बोन ऑफ द हॉर्स, बट फर्स्ट वी विल क्लियर अबाउट द टीबियल टार्सल बोन ऑफ कैटल. क्लियर है? So it has four surfaces, two extremities, proximal extremity and distal extremity. Surfaces are anterior surface or dorsal surface, posterior surface or palmar surface, medial surface and lateral surface. Clear? Clear? Yes, ma'am. Okay. And dorsally it is concave, and ventrally, plantarly, it is convex, and here you can see the presence of oval facet that articulate with the fibular tarsal bone. So I think that much is clear about the tibial tarsal bone. किसी को कोई confusion हो tibial tarsal bone में? So this is about the tibial tarsal bone. In the next class we will continue with the fibular tarsal bone and the other bones of the cattle tarsal bone, and as well as about the tarsal bone of the horse. Okay, so today we discuss about the fibula of the dog and pig, then patella of the cattle and horse, and tibial tarsal bone of the cattle. इसमें किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट की स्थिति हो?